नमस्कार अमरीश जनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं। बीएचयू काउंसलिंग पोर्टल पे जिन बच्चों ने काउंसलिंग कराई थी उनका सडन काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स ब्लैंक शो करने लगा, यानी पहले कंप्लीट शो करता था, अब वहां पे कंप्लीट की जगह पे ब्लैंक शो कर रहा है। अचानक से बच्चे परेशान तो होना लाजमी है भाई कि सर हमारा अब काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगा, क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा। कुछ बच्चे मेरे पास कॉल करके तो एक तो रोने भी लगे, तो मैंने उसका डाउट क्लियर किया और उसके लिए एक वीडियो बना के भी दे दिया है। उसके लिए वरीड नहीं होना है। अब आज जो वीडियो है वो है आपके गुड न्यूज का, जिसका बेसब्री से इंतजार काफी दिनों से था। बच्चे बार बार कहीं ना कहीं कमेंट्स कर रहे थे, सर गुड न्यूज कब आएगा, और गुड न्यूज आप बता नहीं रहे हो, क्यों लेट कर रहे हो। पहले 10 को बोले थे, उससे पहले शायद 7 को बोले थे, उससे पहले शायद 2 को बोले थे, तो काफी दिनों से चर्चे में है। तो फाइनली आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ गुड न्यूज क्या है, आपको बताने वाला हूँ कि काउंसलिंग होने के बाद किन बातों को ध्यान रखना है, और मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि फाइनली आपका रिजल्ट का डेट क्या होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बीएचयू पाठशाला वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर बीएचयू एंट्रेंस सीयूटी प्रिपरेशन। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, अपने पूरे दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपके एडमिशन तक आपका साथ देने वाला हूं मैं। 100 वीडियोज बोला था, 100 वीडियोज दूंगा फॉर 100K। सो प्लीज उनको सब्सक्राइब करें यार, 100K बनाएं, क्योंकि आप इसी परिवार का हिस्सा बनने वाले हो। मैं बीएचयू में पढ़ाई कर रहा हूं, आप भी बीएचयू में आने वाले हो, एक साथ मिलकर पढ़ाई किया जाएगा। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और लाइक दिस वीडियो, लाइक जरूर कर देना। अब देखो ये है ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में सबको पता है कि यहां से जाके आपको चेक करना रहता है, तो ऑलरेडी मैंने आपको यहां पे चेक करके रखा हुआ है। तो गुड न्यूज से पहले हम लोग जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का रिजल्ट का डेट क्या है, ठीक है। ये आप लोग रिजल्ट कर लेना, एक मिनट में यहां पर लिख देता हूं। ये आपका है रिजल्ट, ओके। रिजल्ट का हम लोग डेट जानते हैं, ठीक है, रिजल्ट का डेट जानते हैं, ओके। रिजल्ट का डेट जो है वो है आपका 12th आफ्टर, यानी 12 तारीख के बाद आपका जो है वो 12th क्या है, 12th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। ये 12th ऑफ अक्टूबर के बाद, 12 के बाद आपका जो है रिजल्ट, यानी फर्स्ट राउंड कट ऑफ, क्या फर्स्ट राउंड कट ऑफ, ध्यान देना, ठीक है। फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है वो रिलीज हो जाएगा। और मैं आपको यहां तक ये भी बताने वाला हूं कल वाले वीडियोस में कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, क्योंकि अप्रॉक्स डेटा मेरे पास अवेलेबल हो चुका है, रॉ डेटा जिससे कट ऑफ बनता है, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि फाइनली कट ऑफ लो होगा, डाउन होगा, कितना होगा, ठीक है। आप कमेंट करके बता दो कि किन किन कोर्सेज का आपको कट ऑफ चाहिए। तो ये है 12 अक्टूबर, आज है 10, 11, 12 तारीख के बाद पूरी पॉसिबिलिटीज है कि आपके फर्स्ट राउंड कट ऑफ जो है वो आ जाएंगे। अब हम लोग आगे जानते हैं कि गुड न्यूज क्या है, जिसका बेसब्री से आप लोग को इंतजार था। गुड न्यूज कुछ लोग के लिए सैड न्यूज भी है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर मैं मोरल बेसिस की बात करूं तो ये सैड न्यूज है, शिक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सैड न्यूज है। लेकिन अब भाई कोई शिक्षा व्यवस्था बात कर नहीं रहा है, वो दूर दूर की बातें हैं। तो हम अपने उन 1.5-2 लाख बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि फाइनली यहां तक पहुंचे हैं किसी भी तरीके से, यानी वो एग्जाम में बैठ के, एग्जाम दे के, काउंसलिंग करा के, जो भी हमारे वीडियोज को 1.5-2 लाख बच्चे देख रहे हैं, ये उनके लिए है गुड न्यूज, ठीक है। क्या है टोटल रजिस्ट्रेशन इस बार बीएचयू में कितना आया, ये आप लोगों को जानना चाहिए। वो आया है आपका 100K प्लस। ये डेटा आपके लिए शायद सरप्राइजिंग ना हो, क्योंकि आप लोग अभी नए हो, ये डेटा मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि बीएचयू में बस 1 लाख रजिस्ट्रेशन आया है ऑल यूजी कोर्सेज में। ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है, लेकिन ये गुड न्यूज भी है, क्योंकि अभी जब हम लोग पिछले डेटा को देखेंगे तो उसमें बस 70 के आपके बीएससी एग्रीकल्चर के आए थे। किसके आए थे? बीएससी एग्रीकल्चर के, ठीक है। ये बस बीएससी एग्रीकल्चर का जो है वो 70K प्लस, यानी 70,000 से ज्यादा बच्चे ने फॉर्म डाला था, और वही 60,000 से ज्यादा बच्चों ने डाला था आपका बीए में। किसमें डाले थे? बीए प्लस बीए में 8 और 16 दोनों मिला के, यानी एक में 35 एक में 30 करके ऐसे कुछ था, मैंने कम ही वैल्यू लिखा हुआ है, 60,000 और 25,000 के आसपास लगभग आपके लॉ में बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ था, ऐसे ही आपके कॉमर्स बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ था। टोटल यूजी एंड पीजी मिला के उस समय जो डेटा था वो 4.5 लाख के ऊपर था। मान के चलो कि यूजी कोर्सेज में लगभग 3.5 लाख से कम फॉर्म बीएचयू में नहीं पड़ता था,
जहां पे अगर हम लोग नहीं, मैं तो यहां तक वीडियो बनाया था कि एक सीट पे कितने बच्चों की लड़ाई होती है, ये वीडियो चूंकि मैं बनाया था तो ये डेटा मुझे अच्छे से याद है कि लगभग 300 से ज्यादा एक सीट की लड़ाई एग्रीकल्चर बच्चों पे, एग्रीकल्चर कोर्स में होता था, और लगभग 30 से 35 बच्चों की एक सीट की लड़ाई जो होती थी वो होती थी आपके बीए वाले कोर्स में, और लड़कियों की लगभग 25, एक सीट पे 25 लड़कियों की लड़ाई होती थी आपके बीए एंड आर्ट्स में। इसी तरीके से बाकी कोर्सेज का भी था। इस बार जब हमारे पास लाख ही रजिस्ट्रेशन आए हैं तो जाहिर सी बात है इन सभी डेटा पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि पेपर कितने बच्चे देते थे, तो उस समय लगभग 80% बच्चे जो है एग्जाम देते थे, और उस 80% का 95% ये आर्ट्स फैकल्टी का ऑफिशियल डेटा है एक समय का, जब वहां पे बताया गया था कि इस बार बच्चों ने मैक्सिमम काउंसलिंग कराई है, क्योंकि उस समय काउंसलिंग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों था, हाइब्रिड मोड में था, इसलिए 95% बच्चों ने काउंसलिंग कराई थी। लेकिन आज ये नीचे का पूरा डेटा जो है इस वाले डेटा से एकदम डिफरेंट है, और यही आपके लिए गुड न्यूज भी है। तो गुड न्यूज क्या है, एक लाइन में समझो, फर्स्ट राउंड का जब कट ऑफ आएगा नो डाउट कि उसकी मेरिट हाई हो सकती है, लेकिन आपको जब 24 घंटे या उससे ज्यादा यानी 48 घंटे इस बार आपको टाइम दिया जाएगा, आप पेमेंट नहीं करोगे तो नेक्स्ट जो भी रैंक के बच्चे होंगे उनको सडन लो रैंक पे भी एडमिशन मिलने के पूरे चांसेस होंगे। पहला गुड न्यूज। दूसरा गुड न्यूज, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि मल्टी यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग कराए हुए हैं, जब उनको पता चलेगा कि मेरा किसी नजदीक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है, जस्ट स्किप द एडमिशन इन करंट यूनिवर्सिटीज एंड गो विथ जो अदर बेस्ट ऑप्शंस हैं, तो ऐसे में उनकी सीट खाली होगी और आपको फिर से रिकमेंड किया जाएगा कि हाँ भाई आपको सीट दिया जा रहा है। तो ध्यान रखना, मैं अपने टाइम पे 6 दिन इंतजार कर रहा था, आप लोग को 10 डेज कम से कम तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग जो पोर्टल है वो बंद जल्दी नहीं होगा। जो बच्चे अपना एडमिशन बाद में अचानक से स्किप करेंगे, जो अपना पेमेंट अचानक से ट्रांसफर करेंगे, जो बच्चे अचानक से अपना कोर्स ट्रांसफर करेंगे, वो सीट खाली होगा और जस्ट आपका नंबर आ सकता है। अब आगे का प्रोसीजर आप लोग समझो, ठीक है। आगे का प्रोसीजर ये है प्रेफरेंस एंट्री, ये है कोर्स एलोकेशन, ये है हॉस्टल एलोकेशन। आप लोग को पता है कि आपने प्रेफरेंस फिलअप कर दिया है, अब वहां से कोई लेना देना नहीं है, इस वाले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब यहां से आपका पूरा 100% लेना देना है। कहां से लेना है, यहां से 100% लेना देना है। हॉस्टल वालों को छोड़ दो, क्योंकि ये तो एडमिशन के बाद का काम है, अभी ये बात का काम है 1 month आफ्टर द एडमिशन। सो गाइस प्लीज स्किप दिस पोर्शन, जस्ट वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द मिडल कोर्स अलोकेशन। व्हाट इज कोर्स अलोकेशन, कोर्स अलोकेशन में ही आपका कोर्स शो करेगा। यहां पे सीरियल नंबर यानी 1 लिखा रहेगा, यहां पे रोल नंबर यानी आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा वो लिखा रहेगा, यहां पे कोर्स यानी आपका किस कोर्स में आया है, उसके बाद आपका यहां पे कोटा, आपका EWS से हुआ है, OBC से हुआ है, ST/SC से हुआ है, PS से हुआ है, Employee Ward से हुआ है, जो भी स्पोर्ट्स कोटा आपका जो भी कोटा होगा वो कोटा यहाँ शो करेगा। लोकेशन यानी आपका मेन कैंपस में हुआ है, MMB में हुआ है, RGSC में हुआ है, VKM, VCW, AMPG कहाँ हुआ है ये यहाँ पे शो करेगा। रेगुलर फीस शो करेगा कि आपकी रेगुलर फीस जो है वो इतनी है, 2000 है, 4000 है, 5000 है। उसके बाद पेमेंट डेडलाइन दे रहेगा, पेमेंट डेडलाइन के अंदर ही आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। जिन बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे हैं ध्यान देना, वो लोग अपने अकाउंट्स में एटलीस्ट 5000 रुपीज अभी से रख लें, क्योंकि जरूरत पड़ने पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। फिर यहां पे होगा डिक्लेरेशन यानी फाइनल डिक्लेरेशन, इट मींस कि आपका एडमिशन यानी एडमिट कार्ड समझ लो, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है लॉग स्टेटस, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक ईमेल आईडी चाहिए होता है, वो ईमेल आईडी आपको चैनल पे मिल जाएगा, और प्लीज ध्यान दीजिएगा वो ईमेल आईडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वो ईमेल आईडी बनी नहीं है, वो ईमेल आईडी कोर्स लोकेशन के साथ ही बनता है, तो जब वो बन जाएगा तो मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा कि ये ईमेल आईडी है और इस ईमेल आईडी का यूज आपको ऐसे करना है। तो अभी आपको लगभग प्रोसीजर मैंने समझा दिया है। फिर यहाँ पे पेड सीट अलॉटमेंट होता है, जैसे मान लो कि आपका पेड सीट में भी आता है तो आपको यहाँ पे पेड सीट का शो करेगा। एक बात यहाँ पे पता है क्या समझ में आएगा, आप जैसे किसी का कोर्स एलोकेशन आ जाएगा तो मैं फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके समझाऊंगा। यहाँ पे होता है क्या है ना, सीरियल नंबर में काउंट होता जाता है। सपोज कि पहले आपको मिला जनरल कैटेगरी से, बाद में हो सकता है आपको ओबीसी कैटेगरी से भी ऑफर किया जाए, हो सकता है पहले आपको एफिलेटेड मिला, बाद में अपग्रेड होकर आपको एफएमसी मिल गया, तो बार बार पेमेंट नहीं करना होता, आप पेमेंट एक बार कर दियो, जैसे आप सेकंड पे क्लिक करते हो ट्रांसफर हो जाता है।
ओ माय गॉड, प्लीज एक बात आपको ध्यान देना है, जब कोर्स एलोकेशन आएगा आप एक वीडियो देख जरूर लेना, एक वीडियो मैं आपको दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे ही दूसरा आता है वहां क्लिक कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए अगर आप ऐसा करते हो तो पहला वाला कोर्स आपका मिस हो जाएगा, वहां पे बड़ा सेंसिटिव एक काम होता है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना, कोई जल्दबाजी मत करना, मैं एक एक स्टेप्स आपको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से समझाऊंगा और ऑफिशियली आपको समझाऊंगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कोई भी गलती ना करें, हर एक वीडियोज को देखें। और तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, गुड न्यूज भी आपको अच्छा लगा होगा। तो गुड न्यूज का जो सेकंड पार्ट है, यानी आपके कट ऑफ डाउन होने के जो चांसेस हैं इन सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ डाउन नहीं होगा, ये बात भी ध्यान रखना। यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसीजर में थोड़ा सा मैं आपका ध्यान ले चलता हूँ। देखो काउंसलिंग प्रोसीजर में क्या होने वाला है, यहाँ पे सपोज की लगभग किसी कोर्स में 1000 बच्चे हैं, ठीक है, 1000 बच्चे जो हैं वो किसी कोर्स में हैं, ये लोग क्या, अब उस कोर्स में ये रजिस्ट्रेशन का नंबर है, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन का नंबर है, ओके। अब उसमें जो सीट है वो 100 है, कितनी सीट है 100। अब इन लोग करेंगे क्या, इस 1000 में ऊपर से 100 लोग को एक ही दिन में फर्स्ट राउंड चला देंगे, फर्स्ट राउंड का पूरा भेज देंगे, उसमें वो रिजर्वेशन वगैरह को देख के भेजेंगे। जब उनको 24 घंटे या 48 घंटे का टाइम दिया जाएगा, उस 48 घंटे में अगर ये बच्चे पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो ये जस्ट उसके बाद यानी 900 के बाद जो बच्चे नीचे होंगे उनको तुरंत बची हुई सीट जो है वो ऑफर की जाएगी। और इन्हीं फर्स्ट राउंड बच्चों का ही जो है, जो 100 बच्चे हैं इन्हीं का पूरा वेरिफिकेशन होगा, यानी इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, बाकी लोग का तो लेना देना भी नहीं है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है जिनका एडमिशन हो रहा है उन्हीं पे वो लोग फोकस करेंगे। सो प्लीज आप लोग बाकी काउंसलिंग को मैं कभी डिटेल में समझा दूंगा, अगर प्रॉब्लम है तो कॉमेंट करना, मैं बना दूंगा वीडियो। तो इस वीडियो में इतना ही, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, 100K का परिवार बने, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ठीक है। हर हर महादेव। कट ऑफ पे वीडियोज थोड़ी देर में मिल जाएगा। हर हर महादेव।